जंगल बात चली है, पता चला है। ये गाना तो आप सबने सुना होगा और ये आपको आपके बचपन की याद दिलाता होगा। अब क्योंकि जब आप अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिता रहे हैं तो आप अपने बच्चों को पंचतंत्र की कहानियाँ भी सुनाते होंगे और मोगली की कहानी तो ज़रूर सुनाई होगी। मोगली की कहानी आती है मध्य प्रदेश के सियोनी गाँव से। सियोनी गाँव जाना जाता है अपने हरे भरे जंगलों के लिए, अपने पहाड़ों के लिए और अपने जानवरों के लिए। मध्य प्रदेश की एक और बहुत खूबसूरत बात जो हम आज आपको बताने वाले हैं वो है भारत की सबसे बड़ी आदिवासी कम्युनिटी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोंड की। गोंड भारत की सबसे पुरानी और सबसे आदिवासी कम्युनिटी है। ये कम से कम 1400 साल पुरानी है और कहते हैं कि ये लोग आर्यन एरा से चले आ रहे हैं। ये लोग द्रविड़ियन कहलाते हैं और जो भाषा ये बोलते हैं उसे गोंडी भाषा कहते हैं। यूँ तो ये लोग हिंदी में भी बात करते हैं, कुछ और भाषाओं में भी बात करते हैं, पर सबसे सुंदर बात ये करते हैं अपनी पेंटिंग से। इनकी पेंटिंग में दिखाई देते हैं हरे भरे जंगल, जानवर, प्रकृति। अगर आप इस पेंटिंग को गोंद को देखेंगे तो इसमें एक धरती की उत्पत्ति का चित्र है। इसमें काल बैठा है, इसमें ग्रह भी बैठे हैं, इसमें पेड़ है, मनुष्य है, एक पुरुष है और एक स्त्री है और जानवर भी हैं। और ये जो बिल्कुल मध्य में आप देख रहे हैं ये है कुंड। ये कुंड धरती की उत्पत्ति, ये मानव काल को बताता है। ये बताता है कैसे जननी अपने गर्भ से इतनी सारी चीज़ें निकालती है हमें देने के लिए, खाना, पानी, पदार्थ, और हम अपने जीवन को संपूर्ण बना सकें। इतनी सुंदर कहानियाँ जब हम अपने देश की आपके साथ बांटते हैं तो हमें लगता है कि हमने इस सफ़र को थोड़ा आगे बढ़ाया और इन कहानियों को आप भी अपने बच्चों तक पहुँचाइए ताकि वो अपनी कला को जाने और अपनी संस्कृति को पहचाने। तो मध्य प्रदेश के जंगलों से निकल के हम आज आपसे अलविदा लेते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।